अभी देखो बाइक अपनी यहाँ सर्विस ले लगी हुई है, तो अभी यहाँ इसका नीचे से इंजन ऑयल निकाला जाएगा। ये देखो भाई आप, बंदा इसका नट लूज कर रहा है, इससे आपका इंजन ऑयल जो है सारा नीचे आ जाएगा। ये देखो सामने देखो सारा इंजन ऑयल नीचे आ गया, बस थोड़ा सा बचा था भाई इसमें इंजन ऑयल। तो अभी आपके सामने ऑयल फिल्टर निकल रहा है, ये तो भाई काम का नहीं है, नया लगाना पड़ेगा। एयर फिल्टर निकालने के लिए भाई इसका ये सब कुछ निकालना पड़ता है, सीट वगैरह आपका यहाँ से पूरी सीट बाहर निकलती है, बॉडी निकलती है। तो अभी ऑयल फिल्टर को इंस्टॉल कर दिया है, इसी तरीके से आपका ऑयल फिल्टर इंस्टॉल होता है। तो अभी आपका तैयारी चली है हमारे फ्यूल टैंक को निकालने की, क्योंकि इसको ये सब कुछ निकालना पड़ता है भाई एयर फिल्टर निकालने के लिए। यहाँ से इसके दो नट निकाले जाएंगे, अब देखो इसकी साइड की बॉडी भी निकालनी पड़ती है दोनों, जो फ्यूल टैंक के ऊपर लगी होती है। तो फिर आगे उसके बाद जो निकलेगा तो फिर फ्यूल टैंक निकाला जाएगा। ये भाई उसके अंदर गया, देखो फ्यूल टैंक निकालने की तैयारी लगी हुई है बगैर बॉडी के, तो कुछ ऐसा व्यू लग रहा है भाई। डीमन को नंगा कर दिया बिना बॉडी के, देखो बॉडी पूरी निकल के भाई अपनी माथी लगी, देखो डीमन पूरी तैयारी चली हुई है फ्यूल टैंक को निकालने की। एक नट जो है यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा जाम हो चुका है, नहीं निकल रहा है, तो फ्यूल टैंक अपना लगभग निकल ही चुका है, बस पाइप वगैरह जो है वो आपकी निकाली जा रही है फ्यूल की। ऐसा कुछ है भाई, देखो ये फिल्टर की कंडीशन देखो भाई, बहुत बुरी कंडीशन में है। तो ये आपका नया वाला ये फिल्टर है, तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं इसकी, बस ठीक ही है भाई, बजट में पड़ जाती है। अभी इसको इंस्टॉल करने की तैयारी चली हुई है, तो एयर फिल्टर अपना इंस्टॉल हो चुका है, अब इसको पूरा पैक करने की तैयारी लगी हुई है। फ्यूल टैंक भी अपना लगने की तैयारी पे है, और इसको पूरा इंस्टॉल करके पूरा पैक कर दिया जा रहा है। ये आपकी बॉडी भी लग चुकी है फ्यूल टैंक के ऊपर, जो बॉडी होती है। तो भाई ये पीछे वाले भी निकालने को मैंने भाई को बोला, क्योंकि भाई टूट गया था, इनको अलग लुक लग रही पीछे से भाई, देखो दोनों वाले यहाँ विंडो वाले को खोल दिए, बिना उसकी कैसे लुक लग रही है, सारी वायरिंग दिख रही है इसे। इंजन ऑयल भाई हम अब डाल रहे हैं, तो ये है आपका मोटुल का 300 ऐसा कुछ नाम है इसका, और ये ब्रेक ऑयल अभी चेक किया जा रहा है भाई, ब्रेक ऑयल देखा बिल्कुल ही कम है इसमें, तो अभी ब्रेक ऑयल भी इसमें डाला जा रहा है। आगे वाले इसमें भी ब्रेक ऑयल डाले, डिस्क ऑयल जो होती है अभी उसमें भी वो भी डाल रहे भाई, इसमें भी थोड़ा थोड़ा कम था भाई इसमें भी ब्रेक ऑयल। काम सारा अपना कम्प्लीट हो चुका है, तो चलो भाई अपना काम कम्प्लीट। ओ भाई सर्विस डन हो गई, सर्विस में लगा भाई हमारा 2200 के अराउंड, तो एयर फिल्टर भी सब चेंज हो गए इसमें, और बारिश भी जोरों से लगी हुई है। अभी मैकेनिक वहाँ सर्विस की थी भाई, तो पीछे देखो सारा पीछे वाला जो विंड वाला था वो निकाल दिया है। तो अभी आपको लुक कैसी लग रही है एक बार बता देना भाई, बारिश भी बहुत ज़ोरों से लगी हुई है, मौसम में आपको चेक कर सकते हो, छाता निकल चुका है। तो मिलते हैं आपको भाई नेक्स्ट ब्लॉग में, बारिश बहुत तेज़ से लगी हुई है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।